वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग द्वारा जो यूटीबी पर भर्तियां की गई थी, चाहे वो नर्सिंग संवर्ग की हो, पैरामेडिकल की हो, चाहे मेडिकल ऑफिसर के लिए ही क्यों ना हो, एक्सटेंशन की अगर हम बात करें 30 सितंबर 2024 तक जो आपकी सेवा अभिवृद्धि थी, वो सेवा अभिवृद्धि का समय समाप्त हो चुका था और उसके बाद आप एक्सटेंशन के इंतजार में थे। हालांकि एक्सटेंशन दोनों के हो चुके हैं। कल 4 अक्टूबर 2024 को हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप और शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। कुछ आपके कंफ्यूजन थे, इसलिए ये वीडियो फिर से लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा आप वीडियो के साथ। एक ऑर्डर जारी किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप समझिएगा, जो स्थायी भर्तियां की जा रही हैं चिकित्सा विभाग द्वारा, उनकी चॉइस फिलिंग जो है rajhealth.rajasthan.gov.in से होने वाली है। ये वेबसाइट आप लिख के रख लें, आप इसको विजिट करते रहें डेली, आपको यहां से न्यूज मिल जाएगी। यानी कि अभी जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM के जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पुनर्सत्यापन या फिर किसी के एक्सपीरियंस को लेके, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए थे, उन सभी को लेकर अभी होल्डिंग में है। लगभग 500-600 कैंडिडेट और बच गए हैं, उनका लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है POP यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आप वेबसाइट विजिट करते रहे, न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। अभी ये जो है पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, बहुत जल्दी होने वाला है। एक्सटेंशन की मैं बात करूँ तो देखिए, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर के लिए एक्सटेंशन 6 माह के लिए कर दिया गया है। कल एक लेटर जारी किया गया था, लेटर आप लोगों ने भली भांति से देख लिया है। कुछ आपके कंफ्यूजन थे, वो आप देख लीजिएगा। देखिए, 30/9/2024 तक अभिवृद्धि की गई थी, 30 जून 2024 के लेटर को लेकर, यानी कि 30/9 तक आपकी अभिवृद्धि थी जो खत्म हो गई थी, और इसी के बाद जो है चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है 6 माह के लिए। और कल ये लेटर जारी किया है, जिसमें देखिए एक्सटेंशन तो किया गया है। उक्त आदेशों में सम्मिलित नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत यूटीबी कार्मिकों की निरंतरता में दिनांक 31/12/2024 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व हो तक अभिवृद्धि की जाती है। यानी कि एक ही लेटर में बहुत सारी चीज़ें जो है डिपार्टमेंट द्वारा समझाई गई है। आप ये समझिएगा कि जो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट है जो यूटीबी पर कार्यरत है, जिनका एक्सटेंशन 30/9 तक था, उनका एक्सटेंशन अब 31/12 तक कर दिया गया है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की भर्ती दिसंबर तक पूर्ण होने की संभावना है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। बाकी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ANM है, उनके पद पर जो कार्यरत यूटीबी कार्मिक है, उनकी निरंतरता में दिनांक 31/10 तक ही इनको बढ़ाया गया है। अभी स्थायी भर्ती के जो ANM है, जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, कुछ जो है किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से या किसी न किसी वजह से जो होल्ड पर है, उनकी लिस्टें जारी होते ही आपको POP के लिए भेज दिया जाएगा। तो 31/10 तक यानी कि इसी माह की अंतिम तिथि तक इसको बढ़ाया गया है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि इससे पूर्व या नवंबर तक आपके जो स्थायी भर्ती वाले कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग का जो है मिलने लग जाए। बाकी NHM के जो कार्मिक हैं, NHM के भी DB हो चुके हैं, ऑफलाइन होना बाकी हैं, तो वो भी कैंडिडेट जल्दी से आ जाएंगे। और आप लोग जो है ये कई बार इतने सारे आपके कमेंट्स मैसेज आते हैं, सर UTB एक्सटेंशन नहीं हो रहा, ये करना है वो करना है। UTB एक्सटेंशन हो या ना हो, इसमें आपका कोई भविष्य नहीं है। हाँ, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, इस एक्सपीरियंस की बेस पर आप लोग जो है सीधी भर्ती में लग जाते हैं। बस इतना सा इसका है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बाकी और कुछ है नहीं। UTB का कोई भविष्य नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आपको अच्छी जो है सैलरी मिल रही है, और घर वाले भी समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची गवर्नमेंट जॉब में है आराम से, और जिस दिन ये एक्सटेंशन ख़त्म होता है, आपकी सारी जो है आपके घर वालों की, आपकी जितना भी आपने सोचा है, वो सारे जो है आप पूरे सपने नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप UTB पे ध्यान ना देके आप लोग जो अभी NHM की भर्ती आने वाली है, उस पर जो संविदा भर्ती आ रही है NHM की, वो
जो अभी चल रही है वो, और जो आने वाली स्थायी भर्तियां हैं उस पर आप ध्यान दें। स्थायी भर्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करें तो आप जो है उसमें आपका भविष्य सफल कर पाएंगे। एनएचएम की भर्तियों में ऐसा है कि एनएचएम की भर्ती में कोई भी अभिवृद्धि, कोई भी एक्सटेंशन किसी भी टाइप का नहीं होता है। आप एक बार, हाँ सैलरी आपको थोड़ा उसमें कम मिलेगा, 50% मिलेगा, समझिएगा। यूटीबी में आपको उसका 100% मिल रहा है, यानी कि एनएचएम में आपको उसका जो भी अभी आपको मानदेय मिल रहा है, जिस भी आप पद पर हैं उसका 50% ही मिल पाता है, लेकिन आपका सिक्योरिटी है। कहने का मतलब है कि आप प्राइवेट में जॉब कीजिए या एनएचएम में कीजिए, एक ही बात है, आपको निकाला नहीं जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका एक्सटेंशन हो चुका है, लेकिन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 31 तक ही है, 31/10/2024 तक, उसके बाद स्थायी कार्मिक आ जाएंगे। हाँ एक चीज़ और है, आप लोगों के कई कमेंट्स थे कि सर जब स्थायी भर्ती वाले कैंडिडेट आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, आप लोग इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं, 31/10/2024 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक। अगर इससे पहले नियमित कार्मिक आ गए तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, सीधी बात है। जब ये सब चीजें आप पढ़ के, सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें पढ़ के आप अगर आप जॉब में लगते हैं तो फिर आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खैर बातें कड़वी है लेकिन सत्य है। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।